हाँ हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा 9th क्लास का 16th लेक्चर है। इसमें आज हम जो है वो थ्रस्ट और प्रेशर का डिस्कशन करेंगे 9th क्लास लेवल के लिए। तो यहाँ पर देखें, थ्रस्ट देखिए, जब हम किसी सरफेस के ऊपर किसी बॉडी को रखते हैं, जैसे मान लीजिए ये ब्लॉक है और इस ब्लॉक को हम अपने ये सरफेस के ऊपर रख रहे हैं, तो आपको मालूम है कि ये ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स अपवर्ड लगता है और अर्थ जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डालती है इस ब्लॉक पर। नॉर्मल को हम एम जी के इक्वल लेते हैं, नॉर्मल एन इज इक्वल टू एम जी। नॉर्मल का रिएक्शन होता है कि ये ब्लॉक, ये हमारा जो सरफेस है, इसके नीचे नॉर्मल फोर्स नीचे की तरफ डालेगी। यानी कि ये ब्लॉक रखा है, ये सरफेस है, नॉर्मल इसमें ऊपर लगेगा, एम जी नीचे लगेगा। नॉर्मल का रिएक्शन होगा कि सरफेस पर नॉर्मल डाउनवर्ड डालेगा, सरफेस पर, सरफेस ब्लॉक पर नॉर्मल अपवर्ड डालेगा, ब्लॉक सरफेस पर नॉर्मल डाउनवर्ड डालेगा और नॉर्मल एम जी के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि जो नॉर्मल फोर्स है वो ये जो ब्लॉक है, एम जी फोर्स जो है वो सरफेस के ऊपर डाल रहा है। ये जो फोर्स है वो सरफेस के 90 डिग्री पर है, यानी कि नॉर्मल है। ठीक से देखें, यहाँ पर ये सरफेस है, इसके ठीक 90 डिग्री ऐसे लगता है, ये एंगल 90 बनेगा। ठीक, तो ये जो नॉर्मल फोर्स लगता है किसी सरफेस पर, जो कि इसको हम थ्रस्ट बोलते हैं, कि जो कि 90 डिग्री पर होता है, यानी थ्रस्ट इज द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन द सरफेस होता है। ठीक, और थ्रस्ट एग्जर्टेड बाय ए बॉडी ऑन द सरफेस है तो नॉर्मल वो एम जी के इक्वल होता है, यानी वेट के इक्वल होता है, वेट ऑफ द बॉडी है। इतना थ्रस्ट जो है वो कोई भी बॉडी अगर आप सरफेस के ऊपर रख देंगे तो उस सरफेस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो डालेगा। ठीक है ना, तो वेक्टर क्वांटिटी है थ्रस्ट, फोर्स है एक तरह का। अगर हम कोई लिक्विड लेते हैं, ये लिक्विड फिल्म है, इसके अंदर कोई ब्लॉक रख दें, तो ये ब्लॉक के चारों तरफ जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, पहली बात तो फ्लूड आप समझ लेना, हम जो फ्लूड होता है उसमें लिक्विड और गैस दोनों को लेते हैं। ठीक है, फ्लूड का मतलब है कि जो फ्लो हो सके। ठीक है ना, तो हम उसमें दोनों लेते हैं, फ्लूड में, फ्लूड का में मतलब गैस भी होगी और लिक्विड भी होगा। ठीक, तो यहां पर ध्यान दें कि अगर हम किसी फ्लूड के अंदर, चाहे वो लिक्विड हो या गैस हो, अगर उसमें कोई ब्लॉक हम रखते हैं तो उसमें चारों तरफ से नॉर्मल फोर्स लगता है। हमने ये एरो दिखा रखे हैं। इसमें क्या होता है कि जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं फ्लूड के, लिक्विड के या गैस के, वो इस पर स्ट्राइक करते हैं। ध्यान देना, आप न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ चुके हैं, इस पर स्ट्राइक करके वापस आते हैं। वापस आने पर जो है वो मोमेंटम यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स होता है, इसलिए इसमें फोर्स लगता है। यानी ये फोर्स का ओरिजिनल कॉज है। जैसे ये वाइट बोर्ड है, इसमें जो एयर फिलअप है कमरे में, वो एयर के मॉलिक्यूल्स इसमें ऐसे स्ट्राइक कर रहे हैं और स्ट्राइक करके रिटर्न होते हैं। रिटर्न होने पर मोमेंटम आपको मालूम है, एम बी है, तो ये माइनस एम बी है, चेंज इन मोमेंटम 2 mb हुआ। टाइम से डिवाइड कर दें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम फोर्स बोलते हैं। ठीक, यानी कि जो ओरिजिनल कॉज है फोर्स का, वो यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम है। तो ये फोर्स जो एग्जर्ट करते हैं, ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, इसको हम थ्रस्ट बोलते हैं। इस केस में ये जो है वो फ्लूड थ्रस्ट कह देते हैं। ठीक, फ्लूड थ्रस्ट। तो हमने यहाँ पर ये नोट भी किया है, टोटल नॉर्मल फोर्स एग्जर्टेड बाय फ्लूड एट रेस्ट ऑन गिवन सरफेस इन कॉन्टेक्ट विद इट, ये कॉन्टेक्ट में है सरफेस उससे, इज कॉल्ड थ्रस्ट ऑफ फ्लूड ऑन दैट सरफेस। यानी कुल मिलाकर जो थ्रस्ट है वो नॉर्मल फोर्स है। ठीक, अगर आगे चल के हम पढ़ेंगे, अगर किसी ब्लॉक में कोई फोर्स इंक्लाइंड लग रहा है, ऐसे लग रहा है, तो इसके दो पार्ट कर लेते हैं, एक नॉर्मल और एक ये टेंजेंशियल। नॉर्मल वाला जो है वो थ्रस्ट होगा। ठीक, तो किसी भी सरफेस के ऊपर जो 90 डिग्री पर यानी नॉर्मली फोर्स एग्जर्ट करता है उसे हम थ्रस्ट बोलते हैं। थ्रस्ट फोर्स है, इसलिए इसकी यूनिट फोर्स की यूनिट है, यूनिट ऑफ थ्रस्ट। SI यूनिट इसकी न्यूटन है, CGS यूनिट N है। आप ऑलरेडी जानते हैं कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10^5 न्यूटन होता है। ग्रेविटेशनल यूनिट MKS में किलोग्राम फोर्स KGF है,
CGS यूनिट ग्राम फोर्स है, और आप मालूम है कि 1 kgf 9.8 न्यूटन के इक्वल है और 1 ग्राम फोर्स 980 N के इक्वल है। आपको अगर ये नहीं मालूम है तो न्यूटन सेकंड लॉ का लेक्चर देखें, वहां पर ये है, वही यूनिट यहां पर है। ठीक, जब हम किसी सरफेस के ऊपर जब थ्रस्ट लगता है तो जो थ्रस्ट पर यूनिट एरिया होता है, जैसे मान लीजिए ये ब्लॉक है, यहाँ पर एक पॉइंट पर यहाँ ध्यान देने की कोशिश करें कि अगर ये ब्लॉक मान लीजिए ये 10 न्यूटन फोर्स एग्जर्ट कर रहा है डाउनवर्ड, 1 केजी का है अगर तो 10 न्यूटन करेगा, तो 10 न्यूटन फोर्स ये ऐसे भी डालेगा डाउनवर्ड, और अगर हम ऐसे रख देंगे तो तब भी डालेगा वर्टिकल, ऐसे रख दिया ठीक तब भी डालेगा, लेकिन ऐसे में एरिया ज़्यादा है कॉन्टेक्ट का, इस समय ऐसे रख दें एरिया कम हो गया, ऐसे एरिया ज़्यादा और कम हो गया, कॉर्नर पर रख देंगे और कम हो गया, तो जो लेकिन सभी केस में थ्रस्ट इक्वल है। ठीक ठीक, अब जो लेकिन जो यहाँ पर प्रेशर एग्जर्ट करेगा वो ऐसे में प्रेशर जो है वो कम होगा, अगर आप ऐसे रख देंगे इसको एरिया को कम कर देंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। जैसे आप अगर मान लीजिए आपने देखा होगा कि किसी अगर सैंड है सरफेस में, बालू है, और आप खड़े हो जाएं तो पैर से जो सैंड है वो दब जाएगी, और अगर आप उस पर लेटते हैं तो कम दबेगी क्योंकि लेटने में एरिया ज़्यादा हो गया, एरिया ज़्यादा होने से वेट के बराबर थ्रस्ट लगेगा दोनों केस में, एरिया ज़्यादा होने से प्रेशर कम हो गया इसलिए वो कम दबी, आप खड़े होंगे तो प्रेशर ज़्यादा हो गया क्योंकि कॉन्टैक्ट एरिया कम कर दिया, पैर का कॉन्टैक्ट एरिया रहेगा, ठीक है ना, तो एरिया कम हो जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर जो होता है वो थ्रस्ट पर यूनिट एरिया है, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया, तो प्रेशर जो है वो प्रेशर इज द थ्रस्ट है पर यूनिट एरिया ऑफ द सर्फेस, क्योंकि थ्रस्ट को हम फोर्स से ही लिखते हैं, तो प्रेशर होगा थ्रस्ट अपान एरिया, यानी कि फोर्स अपान एरिया। ठीक, तो प्रेशर का आप समझ गए होंगे, इसी में हम बाद में एक दो कैलकुलेशन करके भी दिखाएंगे कि प्रेशर जो है आपका वो एरिया पर डिपेंड करेगा। तो प्रेशर इज द थ्रस्ट है पर यूनिट एरिया ऑफ द सर्फेस, डिफिनीशन आप लर्न रखें। यहाँ पर यूनिट निकालना आसान है, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है, इसमें जो हम फोर्स ले, फोर्स वैसे वेक्टर है, थ्रस्ट वेक्टर है, लेकिन यहाँ पर मैग्नीट्यूड डालेंगे केवल, तो एसआई यूनिट फोर्स अपान एरिया, फोर्स का न्यूटन, एरिया मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर। हम इसको शॉर्ट में नाम है साइंटिस्ट का, नाम से हम पास्कल लिखते हैं, शॉर्ट में PA, एक ही बात है, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल के इक्वल है, तो 1 पास्कल हो जाएगा 1 न्यूटन अपान 1 मीटर स्क्वायर। अगर हम फोर्स 1 न्यूटन ले लें, एरिया 1 मीटर स्क्वायर ले लें, तो फोर्स 1 पास्कल होगा, प्रेशर 1 पास्कल होगा, सॉरी, तो 1 पास्कल इज द प्रेशर एग्जर्टेड ऑन ए सरफेस ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर बाई ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्टिंग नॉर्मली ऑन इट, क्योंकि नॉर्मल की बात हो रही है, थ्रस्ट की बात हो रही है, डिफिनेशन इस तरह से बना लेते हैं 1-1 रखकर। दूसरी यूनिट जो है इसकी kgf मीटर पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, किलोग्राम फोर्स पर मीटर स्क्वायर। CGS यूनिट जो है इसकी, क्योंकि यहाँ पर न्यूटन है तो डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और या ग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्रेविटेशनल यूनिट बोलते हैं, हो जाएगी आपकी। ठीक, इसको अगर आप कन्वर्ट करना चाहें तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन की जगह लिखें 10^5 डायन, मीटर की जगह लिखें 100 सेंटीमीटर, हमने 10^2 लिख दिया है, होल स्क्वायर है तो 10^4 हो जाएगा, 1 पावर इसमें कम हो गई, 4 ऊपर जाके माइनस हो गए 5 से, तो 10 बना 9 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर पर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 9 पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, और यह आप ये भी कर सकते हैं, 10 को इधर ले आए तो 1 9 पर सेंटीमीटर स्क्वायर 0.1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। ठीक, ये जो प्रेशर होता है इसकी अदर यूनिट भी है। ठीक, अदर यूनिट में जो है वो बार है, मिली बार है, टॉर है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। देखिए जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है, जैसे आप यहाँ पर अर्थ के ऊपर हैं और अर्थ के ऊपर एक बहुत बड़ा एटमॉस्फेयर है, ये जो एटमॉस्फेयर है ये अर्थ के सरफेस पर या कोई भी टेबल है, कोई भी ब्लॉक रखा है, उस पर प्रेशर एग्जर्ट करती है। ठीक,
प्रेशर है फोर्स पर यूनिट एरिया या थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। तो ये जो प्रेशर का जब हम मेजरमेंट करते हैं, हम अगले लेक्चर में भी इसका डिटेल में आएगा, यहाँ यूनिट की बात चल रही है इसलिए यूनिट आपको लिखना है। हम यूनिट को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पर ध्यान दें क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मेजरमेंट के लिए एक आप मरकरी का टब लीजिए, जैसे ये हमने इसमें लिक्विड भर रखा है, ठीक इसी तरह से मरकरी का टब ले लें। यहाँ पर हम बनाते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ये एक टब ले लिया और इसमें यहाँ पर मरकरी फिलअप कर दी है, ठीक। तो आगे चल के इसका एक लेक्चर में डिटेल आएगा, ये मरकरी फिलअप है। इसमें क्या करते हैं, एक ट्यूब लेते हैं जिसे हम यहाँ पर बैरोमीटर बोलते हैं। तो जो ट्यूब होती है बैरोमीटर में, वो ट्यूब आपकी एक तरफ से क्लोज होती है और एक तरफ ओपन होती है, ध्यान से समझना, एक तरफ क्लोज एक तरफ ओपन खाली ट्यूब होती है। इस ट्यूब में पूरा मरकरी भर लेते हैं पूरा फिलअप कर लीजिए, ठीक है। ये जैसे यहाँ क्लोज है, यहाँ ओपन है, इसमें मरकरी भर लीजिए पूरा। और ये भी मरकरी का टब है, मरकरी को हम शॉर्ट HG से लिखते हैं केमिस्ट्री में। अब उस जो ट्यूब है मरकरी की फिलअप, उसमें जिधर ओपन एंड है उसर इसे थंब से क्लोज कर लीजिए, ऐसे यहाँ क्लोज्ड है ऊपर को, और इसको इसके अंदर ले आइए, ध्यान से समझना बात, और हाथ को हटा लें थंब को। तो क्या होगा कि ये जो ट्यूब ऐसे रखी हुई थी, इसमें जो मरकरी का लेवल नीचे गिरने लगेगा और अर्थ के ऊपर यहाँ पर ये जो लेवल है ये 76 सेंटीमीटर रुकता है जाकर, ध्यान देना 76 पर। अब एक प्रेशर का एक प्रिंसिपल है कि अगर सेम लिक्विड है तो उसमें सेम लेवल पर सेम प्रेशर होगा। यहाँ ध्यान दें, यहाँ मरकरी है, यहाँ भी मरकरी है, यहाँ भी मरकरी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये इसके अंदर है ट्यूब के, ये बाहर है, इसके ऊपर 76 सेंटीमीटर मरकरी का कॉलम है, 76 सेंटीमीटर मरकरी का कॉलम है, ठीक। और इसके ऊपर ये खुला हुआ है बाहर, इसके ऊपर पूरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसलिए हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसे हम शॉर्ट में ATM लिखते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लिख सकते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम या मरकरी कॉलम प्रेशर। इसको थोड़ा समझना, आगे लेक्चर में और भी आप बताया जाएगा फिर से। यानी कि अगर हम इसमें मरकरी फिलअप कर दें तो जो प्रेशर 76 मरकरी कॉलम का होगा वही प्रेशर यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसलिए हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम बोलते हैं या 76 सेंटीमीटर ऑफ HG बोलते हैं। और 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है, इसलिए हम इसको 760 मिलीमीटर ऑफ HG भी बोल सकते हैं कॉलम, ठीक। या तो 76 सेंटीमीटर बोलें या 760 मरकरी ऑफ HG बोल सकते हैं, ठीक। ये सी लेवल पर है, एक एवरेज समझ लीजिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो ऊपर का टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ता है। और ध्यान रखें इसको आप लर्न करना है, ये यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको कि हम 1 ATM बोलते हैं, ये यूनिट भी आपको इसी के साथ में लर्न करनी है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको कि हम 1 ATM बोलते हैं, 1 ATM इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ HG या 760 मिलीमीटर ऑफ HG, या इसको आप ध्यान दें आप इसको ये भी यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर हम इसको प्रेशर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में काउंट करें ये यूनिट या पास्कल में, तो ये जो प्रेशर आता है आपका वो 1.01, आपके यहाँ जो एग्जैक्ट फिगर लिया गया है वो 1.013 इंटू 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या हम पास्कल भी लिख सकते हैं। इसका मतलब कोई बोले 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो उसका मतलब इतना प्रेशर, 1.013 इंटू 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये भी बोला जा सकता है 76 सेंटीमीटर ऑफ HG,
या 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी, ये सभी इक्वल है। तो याद रखना है वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। हाँ याद रखना, अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो फिर 0.76 मीटर ऑफ एच जी हो जाएगा। आप कन्वर्ट कर लेंगे मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ठीक। ये सभी प्रेशर की यूनिट हैं, और इसके अलावा कुछ प्रेशर की यूनिट और ली जाती हैं जिनको आप लर्न रखना है यहाँ पर इस लेवल पर। उसमें यूनिट में ध्यान रखें, एक तो बार है बी ए आर, वन बार आपका 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। वन बार 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ध्यान दें यहाँ पर ये 10^5 है, तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 1.013 बार, क्योंकि 1 बार 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल है, ठीक। और मिली बार भी है, मिली नेचुरल है कि 10^-3 बार, मिली मतलब 10^-3 वैसे भी होता है, तो 1 मिली बार 10^-3 बार, ठीक। 10^-3 1 मिली बार इज इक्वल टू 10^-3 बार, मिली का मतलब 10^-3 होता है, यहाँ वैल्यू बार की पुटअप करें तो 10^-2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये भी यूनिट है बार और मिली बार, ये सभी लर्न करनी है। और दो यूनिट और लर्न करनी है, एक है वन टॉर, ये सब साइंटिस्ट के नाम है, टॉर जो है वो टॉर्सोली के नाम पर है, वन टॉर TOR, वन टॉर जो है वो 1 मिलीमीटर ऑफ एच जी है, वन टॉर 1 मिलीमीटर ऑफ एच जी, के पास बुक नहीं है वो नोट कर लेना, वन टॉर 1 मिलीमीटर ऑफ एच जी के इक्वल है। और नेचुरल है ये 760, वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके इक्वल है 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी, और वन टॉर किसके इक्वल है 1 मिलीमीटर ऑफ एच जी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 760 टॉर आ जाएगा, क्योंकि 1 मिलीमीटर ऑफ एच जी 1 टॉर के इक्वल है, तो हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 760 टॉर भी लिख सकते हैं। तो हम यहीं पर ये लिख दे रहे हैं, यहाँ आपने 1 एटमॉस्फेरिक लिखा होगा, यहाँ पर 760 टॉर। तो बहुत सारी यूनिट हो गई प्रेशर की, ध्यान दें एक यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल है, ठीक। इसके अलावा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जनरल यूनिट है, ये 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम, या 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी कॉलम, या 1.013 × 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, या मीटर में लिखें तो 0.76 मीटर, ठीक। बार में लिखें तो बार का ध्यान रखें, 1 bar 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, टॉर 1 मिलीमीटर ऑफ एच जी कॉलम। इसका मतलब होता है कि मरकरी के 1 मिलीमीटर कॉलम का जो प्रेशर होगा वो 1 टॉर के इक्वल होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर ये हमने क्लोज बनाया था, ध्यान रखना ये क्लोज होता है, और यहाँ ध्यान रखना यहाँ बिल्कुल एयर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले ये पूरा मरकरी से भरा था, जब आप थंब को हटाएंगे तो मरकरी कॉलम नीचे आएगा। तो यहाँ पर अगर डायग्राम बनाएं तो यहाँ पर वैक्यूम लिख देना, इसमें वैक्यूम होना चाहिए, अगर एयर होगा थोड़ी भी तो फिर 76 नहीं रहेगा, वो फॉल्टी बैरोमीटर कहलाता है, क्योंकि वो ऊपर से प्रेशर डालेगा नीचे की तरफ, ठीक है। तब आपका एग्जैक्ट 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम नहीं होगा। हाँ अब जरा आप फैक्टर देखें जो प्रेशर को इफेक्ट करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग द प्रेशर। देखिए प्रेशर का फार्मूला है फोर्स अपॉन एरिया, इसमें कभी भी जब दो क्वांटिटी होती हैं उसमें हमेशा जब हम उसका वेरिएशन चेक करते हैं तो एक क्वांटिटी को फिक्स करते हैं, तो थ्रस्ट पर डिपेंड करेगी जबकि एरिया फिक्स है, और एरिया पर डिपेंड करेगी जबकि थ्रस्ट फिक्स है, यानी एक ही थ्रस्ट लगाएं। आप इसके एग्जांपल को चेक करें, ये एक ब्लॉक है, मास इसका 4 kg है, तो वेट आपका या तो आप kgf में लिखें 4 kgf, या इसमें 10 हमने ले लिया है जी की वैल्यू, तो या 40 न्यूटन में लिखें इसको, 9.8 मल्टीप्लाई करेंगे अगर गिविन नहीं है तो, हमने इजी बनाने के लिए 10 मल्टीप्लाई किया। देखिए इसका बेस 1/1 का है, इसकी हाइट 10 है, ये बेस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, तो सरफेस के ऊपर जो बेस रखा है हम उसका एरिया लेंगे,
तो थ्रस्ट तो 40 न्यूटन हो गया, एरिया 1/1 है, सेंटीमीटर में है, उसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 10^-2 दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए 10^-4 हो गया, ये मीटर स्क्वायर में लिखें। अब प्रेशर हमने इसको P1 लिया इस सरफेस पर, फोर्स अपान एरिया लगाएं, थ्रस्ट अपान एरिया, थ्रस्ट 40 है, एरिया 10^-4 है, इसको ऊपर ले जाएं तो 4 और 1 मिलकर ये 5 हो जाएगा, 4×10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए अब इसी ब्लॉक को जैसे ये कोई है बुक ऐसे रख दिया और फिर इसको ऐसे रख दिया लिटाकर, तो जब इसको बेस ये होगा तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर ये बेस पर आ गया, 1 सेंटीमीटर ये हो गया, तो एरिया अब 10×1 हो गया, तो 1×10 इसे मीटर में कन्वर्ट करें क्योंकि सेंटीमीटर में है, 10^-4 मल्टीप्लाई करें तो ये टोटल 10^-3 मीटर स्क्वायर हो गया। अब प्रेशर हमने इसका P2 लिया है, फोर्स अपान एरिया लगाएं तो ये 4×10^4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। यहाँ पर ध्यान दें इन दोनों ही केस में ब्लॉक का मास फिक्स रहेगा, इसलिए मास को हमने फिक्स कर लिया है दोनों केस में, एरिया इसमें इंक्रीज हो गया तो प्रेशर डिक्रीज हो गया, ठीक, नेचुरल है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, अगर थ्रस्ट फिक्स होगा तो प्रेशर एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, एरिया इसमें इंक्रीज हुआ है इसलिए प्रेशर कम हो गया। अब स्टेटमेंट P1 > P2 है, हेंस लार्जर द एरिया ऑन विच गिवन थ्रस्ट एक्ट्स, यानी कि थ्रस्ट फिक्स करे गिवन थ्रस्ट, लेसर इज द प्रेशर एक्सर्टेड, प्रेशर कम होगा, ठीक, अगर एरिया ज्यादा होगा, ठीक है ना, इसमें एरिया ज्यादा है प्रेशर कम है, ठीक। इसी तरह से अगर हम इस ब्लॉक का अब केवल एक केस देखें, हम एरिया को फिक्स करेंगे, एरिया ये ले रहे हैं 1/1, अब मास इसका हम 8 kg ले लें तो यहाँ पर 80 न्यूटन हो जाएगा, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो नेचुरल है 8×10^5 आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक। अब हमने क्या फिक्स कर दिया, अब हमने इसका जो है एरिया फिक्स कर लें और वेट को बढ़ा दिया, अब एरिया फिक्स करेंगे तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थ्रस्ट है, थ्रस्ट बढ़ा दिया तो प्रेशर बढ़ जाएगा, थ्रस्ट यहाँ वेट का, वेट थ्रस्ट का काम कर रहा है, इसलिए लार्जर द थ्रस्ट एक्टिंग ऑन द गिवन एरिया, अब एरिया फिक्स किया इसलिए लिखा गिवन एरिया, ग्रेटर इज द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन इट, आप समझ गए होंगे कि इसमें से प्रेशर फोर्स थ्रस्ट को फिक्स करेंगे तो प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एरिया इंक्रीज करेंगे प्रेशर डिक्रीज होगा, अगर एरिया फिक्स करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हम अगर मेथड ऑफ इंक्रीजिंग द प्रेशर, प्रेशर को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कहीं कभी हमें मैकेनिकल रिक्वायरमेंट होती है, जैसे जब आप नेल होती है, कील होती है, उसको जब दीवार में लगाते हैं तो उसका आपने देखा होगा उसकी जो नोक होती है उसको बहुत ही शार्प और उसका एरिया कम बनाते हैं, जिससे उसमें यह आपने देखा होगा कारपेंटर वर्क करते हैं तो कील को जब आप हैमर से स्ट्राइक करते हैं तो कम प्रेशर में कम फोर्स में, फोर्स कम लगाएं तो ज़्यादा प्रेशर एक्ट करेगा क्योंकि उसका एरिया जो है कम कर दिया गया है। तो फॉर द गिवन थ्रस्ट प्रेशर इंक्रीज्ड बाय रिड्यूसिंग एरिया, जैसे एंड्स ऑफ द पिन आर मेड पॉइंटेड, इसीलिए उसके जो शार्प जो एंड होते हैं वो पॉइंटेड बनाए जाते हैं, और इसके अलावा भी वुडन वर्क जितना होता है, काटने वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं आपने देखा होगा उसमें शार्प एज होता है, नाइफ में है या और भी कोई चीज़ ले लें, जिससे कि उसमें जो आप थोड़ा सा फोर्स लगाएं तो प्रेशर उसमें ज़्यादा एग्जर्ट हो, समझ गए होंगे। इसी तरह से कहीं कहीं पर हमें क्या करना पड़ता है, प्रेशर को डिक्रीज भी करना पड़ता है, ठीक। तो इसके लिए फॉर गिवन थ्रस्ट प्रेशर इज रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, अगर हम गिवन थ्रस्ट के लिए एरिया को इंक्रीज कर दें तो नेचुरल है कि प्रेशर कम हो जाएगा। आपने देखा होगा रेलवे लाइन बिछाई जाती हैं तो रेलवे लाइन की जो रेल्स होती हैं उसके नीचे वुडन स्लीपर डाले जाते हैं बड़े बड़े, जिससे क्या होता है कि जो रेल का जो ट्रेन होती है उसका जो प्रेशर होता है, यानी नीचे जो थ्रस्ट लग रहा है वो जो है वो कम प्रेशर एग्जर्ट करता है, क्योंकि उससे हम एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। द वाइड वुडन स्लीपर्स आर मेड ब्लो द रेलवे ट्रैक, ठीक। दूसरा, बिल्डिंग की जब फाउंडेशन बनाते हैं तो उसके नीचे जो आप नींव भरते हैं उसकी जो थिकनेस होती है वो ज़्यादा रखते हैं, जिससे पूरी बिल्डिंग का जो प्रेशर है वो उस पर पड़ेगा, थ्रस्ट पड़ेगा, जिससे कि एरिया को बढ़ाकर उसके प्रेशर को कम कर दिया जाता है, ठीक। इसके अलावा अगर आप कोई वैसा हो प्लेस जिसमें मड हो, या आपने देखा होगा कि कभी मूवी में कि दलदल वाले जो क्षेत्र होते हैं, एरिया होते हैं, उनमें अगर आप लेट कर निकलें तो आसानी से निकल सकते हैं, अगर खड़े रहेंगे कहीं पर तो पैर का एरिया कम है जिससे वहां प्रेशर ज़्यादा एग्जर्ट होगा, अगर वहीं पर आप लेट जाएंगे तो एरिया ज़्यादा हो जाएगा जिससे प्रेशर कम एग्जर्ट होगा, जिससे आप जो दलदल वाली ज़मीन होती है उसमें नीचे नहीं धंसेंगे, आसानी से उससे बाहर निकल सकते हैं। तो इस टाइप के कहीं भी क्वेश्चन
आते हैं थ्योरेटिकल, आप वहाँ पर देख लें कि प्रेशर को हमें इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, उसी के अकॉर्डिंग टू जो है वो अपना आंसर दें यहाँ पर। ठीक, तो ओके स्टूडेंट, हम इस लेक्चर को क्लोज करते हैं, इसके बाद हम प्रेशर जो है इन फ्लूइड का डिस्कशन करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।